दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर और दूसरी खबर इसी के साथ, क्यों रईस लोग, संपन्न लोग भारत देश छोड़ना चाहते हैं, आइए दोनों खबरों को जानने का प्रयास करते हैं। आईएएस अधिकारी अगर कोई घटना देखता है और उसे ट्वीट करता है तो उस पर भ्रामक ट्वीट का मुकदमा दर्ज हो जाता है। यह यूपी में ही संभव है। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर बताया, उन्नाव में मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि तैरती लाशों पर मेरा ट्वीट भ्रामक है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, दो दिन में लगातार दो केस तोहफे में दिए, ये यूपी मॉडल की पोल खोलने का इनाम है। पहला मुकदमा वाराणसी में दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। पूर्व आईएएस सिंह ने सरकार को ट्वीट से मुकदमे दर्ज होने के बाद सुझाव दिए हैं, जिलों के नाम बदलने के सुझाव, मुकदमापुर, अरेस्टाबाद, एफआईआर गंज। सवाल, क्या बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है? क्या सच बोलने वालों की आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं? बिहार में पप्पू यादव ने भाजपा नेता के घर खड़ी एम्बुलेंस की पोल खोली कि इतनी ज्यादा कोरोना महामारी के बावजूद दर्जनों एम्बुलेंस एक भाजपा के कदावर नेता के घर पर खड़ी हुई थी, वह लोगों के काम नहीं आई, तो गिरफ्तार कर लिए गए पप्पू यादव। मीडिया खबरों के अनुसार 32 साल पुराने किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है पप्पू यादव को। क्या जनता नहीं समझती? मगर हर सच बोलने वाली आवाज को जाने क्यों दमन के द्वारा दबाने के प्रयास हो रहे हैं। एमपी में उज्जैन में जब स्थानीय मंत्री का एक शागिर्द अस्पताल के बेड बेच रहा था इस महामारी में, यह मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। महामारी के समय सत्ताधारी अधिकांश नेता बाहर नहीं निकल रहे थे, तब कांग्रेस की महिला नेता नूरी खान लोगों की सेवा बढ़ चढ़कर कर रही थी। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा बताकर गिरफ्तार कर लिया नूरी खान को। छोटी छोटी बातों में एफआईआर, गिरफ्तार, जेल, संपत्ति जब्त की धमकियां, संपत्ति कुर्क, संपत्ति नष्ट, आखिर यह है क्या? अस्पताल, ऑक्सीजन, बेड, दवा नहीं मिली लोगों को तो नहीं मिली। जिन्हें नहीं मिली व्यवस्था, उनमें आक्रोश होना स्वाभाविक है। सरकार यह व्यवस्थाएं देने में नाकाम रही। सरकार की नाकामी के कारण लोगों में गुस्सा, आक्रोश होना स्वाभाविक है। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। देश के रईस यानी संपन्न लोग भारत छोड़ने की तैयारी करने लगे हैं। नवभारत टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की है कि कोरोना संकट के दौर में अस्पताल में बेड न मिल पाने, ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को लेकर संपन्न लोगों का भरोसा यहां से डिगने लगा है। अखबार की खबर कहती है, अगर इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट की बात पर भरोसा करें तो पिछले कुछ दिनों में बेहतर लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से भारत से बाहर बसने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। विदेश में बसने की सुविधा देने वाले पेशेवरों का कहना है कि अब लोग ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल, साइप्रस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में बसना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण के पहले दौर में यानी वर्ष 2020 के दौरान विदेश में रहने वाले बहुत से लोगों ने भारत में काम करने की इच्छा जताई थी। इस वजह से वह अपना काम धंधा छोड़कर विदेशों से भारत आ गए थे। अब स्थिति ठीक इसके उलट हो गई है। अब बहुत से लोग भारत छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। शिक्षा, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदतर स्थिति की वजह से अब लोग देश छोड़ना चाहते हैं।
भारत के बहुत से रईस लोग अब स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में भी बसना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, फिर भी यह वहां जाने को तैयार हैं। अधिकांश लोगों की प्राथमिकता में ब्रिटेन है। अब आप इससे दो चीजों का अंदाज लगाएं। अगर यहां व्यवस्था अच्छी है तो लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं, और अगर बहुत सारे रईस यहां से बाहर चले गए तो यहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी या नहीं लड़खड़ाएगी। अब आप लोग इन सब बातों का आकलन करें और सच्चाई जानने का प्रयास करें, अपनी अंतरात्मा से सोचें कि क्या बेहतर सुविधाएं भारत में हैं या इस कोरोना महामारी के दौर में बेहतर सुविधाएं आपने देखी। दूसरी बात, अगर लोग बहुत सारे लोग रईस लोग अगर यहां से विदेशों में जाते हैं तो वह अपनी पूंजी लेकर जाएंगे, तब क्या स्थितियां होंगी भारत देश की। यह वीडियो, यह समाचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर खबर से सहमत हो और खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।